नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। पड़ोसी राज्य हिमाचल के जिला ऊना के विधानसभा क्षेत्र बगाना की जसाना पंचायत में पानी की तलाश में आया एक तेंदुआ उस बावड़ी में कैद हो गया जहां ग्रामीण पानी भरने के लिए आते थे। मिली जानकारी के अनुसार आज ग्रामीण उस बावड़ी में पानी भरने आए तो बावड़ी के इर्द गिर्द लगे लोहे के जंगले के बीचों बीच बैठे तेंदुओं के देखकर हैरान भयभीत हो गए। लोगों ने बावड़ी के जंगले के में लगे दरवाजे को बंद कर दिया और उसकी जानकारी तुरंत गांव के सरपंच को दी। उस सरपंच ने भी बिना समय खराब किए इसकी जानकारी वन विभाग को दी और वन विभाग की टीम ने बिना देरी किए बावड़ी पर पहुंचकर स्थिति को अपने नियंत्रण में लिया और तेंदुओं को बेहोश कर इलाज के लिए ऊना हॉस्पिटल ले आए जहां उसका उपचार किया जा रहा है। वन विभाग के अधिकारियों की माने तो बावड़ी में कैद हुए तेंदुए की सूचना उन्हें गाँव के सरपंच द्वारा दी गयी थी और तुरंत एक टीम को मौके पर रवाना किया गया था और मौके पर गई टीम ने बेहोश कर उस तेंदुए को काबू कर लिया। फिलहाल उसे कुछ दिन डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा और उसके उपरांत उन्हें जहू या गोपाल घर में भेज दिया जाएगा। क्या कहा सिटी हलचल से बात करते वन विभाग के अधिकारी मृत्युंजय माधव ने, पहले जे सुने। सुबह सुबह ही ये सूचना आई थी जसाना गाँव से, तो रेंजर का सुबह सुबह मुझे उन्होंने फोन पे सूचित किया तो इस तरह से पता चला कि एक बावड़ी के पास वो बैठा हुआ है और बाहर से उसको जाल से ढका हुआ है। तो इस तरह से फिर हम लोगों ने सुबह सुबह ही ट्रैंक्विलाइजिंग गन और भी जो इक्विपमेंट होते हैं इनको बचाने के लिए, तो उसके साथ साथ हम लोगों ने भेज दिया यहाँ पे। तो फिर डॉक्टर की टीम भी हम लोगों ने इसके साथ साथ भेजा, तो इसको सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है बट ही इज़ इन इंजर्ड कंडीशन, उसे इंजरी काफ़ी ज़्यादा है। तो अब इसको देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग इसको बचाने का प्रयास करते हैं। अभी बात चल रही है इसको या तो टूटीकंडी या फिर गोपालपुर जू में इसको शिफ्ट करेंगे, पालमपुर में। हाँ, क्योंकि इसकी हालत ठीक नहीं है। गौरतलब है कि इन दिनों पंजाब हिमाचल में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते जंगली जानवर पानी की तलाश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आ जाते हैं और अधिकतर तो हादसों का शिकार होकर मौत का ग्रास भी बन जाते हैं। सिटी हलचल के लिए ऊना से अरविंद अरोड़ा की रिपोर्ट।